हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग मज़े में होंगे। अभी मैं आया हूं अपने खेत में। ये गन्ने वाला खेत था, उस दिन मैं इसमें पारे बना रहा था, तो वो वाला काम अभी पेंडिंग रह गया था। उसके बाद में उधर मैं कल छप्पर बना रहा था, तो ये वाला आज काम फिनिश कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। सो गाइस, अभी जो है हमारे खेत के बगल में वो कंबाइन देख रहे हो आप, उस साइड में वो गेहूं काट रही है, तो चलते हैं दिखाते हैं हम आपको। गाइस मैं अभी आ गया हूं कंबाइन वाले खेत में। ये देखो इतना इतना सा ये छोड़ देती है नीचे और ऊपर से काट लेती है गेहूं। तो अभी आती है पास में, फिर आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। ये देखिए आप जो है एकदम चपक के काट रही है। ये जॉनडियर की कंबाइन है W50। इससे भी बड़ी आती है लेकिन ये थोड़ा छोटी है, बढ़िया काम करती है एकदम। वहाँ धूल बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम वहाँ नहीं जाएंगे। अनलोड कर रहे हैं। ये देखो गिरने लगे हैं गेहूं ट्रॉली में। मैं थोड़ा पास से देखा हूँ आपको। अच्छे खाली कर रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ अपने फिर से काम पर। यार वो गन्ना वाला काम बहुत ज़रूरी है, उसमें पानी भी लगाना है, तो अभी चलते हैं फिर। सो गाइस अभी 10:30 बज गया है और मैं अभी खेत में ही हूँ। धूप बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ा काम बाकी है, तो हम सोच रहे हैं ये इस वाले खेत का तो फिनिश करके ही चलूँ घर, क्योंकि शाम को आएंगे तो उस वाले में बना लेंगे, तो ये इधर आज का काम सारा ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा धूप में तो काम हो नहीं पाता है, तो इस वजह से सुबह ही सुबह आ गया था मैं। सो गाइस अभी चलते हैं घर, बज गया है 12 और अब काफ़ी भूख भी लग गई है और प्यास भी लग गई है, बहुत ज़्यादा धूप है तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। तो चलते हैं अब घर, फिर वापस मिलते हैं। मैं खाना खाने जा रहा हूँ आगे खेत से, अभी नहाया नहीं हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मैंने सोचा पहले खा लेते हैं फिर उसके बाद में नहाते हैं। तो खाने में आज है देखिए, अभी दिखा रहा हूँ आपको, दाल चावल और ये हरा मिर्चा भुना हुआ एकदम। सभी मैं जो है खाना खा के फिर उसके बाद में नहाया था। खाना पहले खाया था क्योंकि भूख लगी थी, और अभी नहा के अजीत की दुकान पे बैठ गया हूँ। थोड़ा आराम करेंगे फिर जाएंगे शाम को खेत में। और अजीत मेरे लिए जो है लेने गए हैं वो पॉपकॉर्न, जो बिकने आए हैं मेरे गांव में। पॉपकॉर्न बेच रहे थे भैया। ऐसा है अब तो गांव में सब कुछ मिलता है, शहर से कम नहीं रह गया गांव। आधे पॉपकॉर्न खा चुका हूँ अभी, और ये खत्म करूँगा पूरे। इनको दे रहे हैं तो कह रहे हैं हम खाना खाएं, हम नहीं खाएंगे। बाबा कुत्ते को मार दे तो रो रहा है। सो गाइस अभी जो है शाम का बज गया है, 3:27 हो गया है और मैं आ गया हूँ खेत। अभी मतलब पहुँचा नहीं हूँ, बस रास्ते में ही हूँ, पहुँचने वाला हूँ। गाइस अभी मैं अपने आ चुका हूँ खेत में, और बस ये वाला खेत में लाइनें बनानी रह गई हैं और बाकी उस वाले में बन गया है। तो और आज मैंने देखो क्या कुर्ता पहन रखा है, ये बहुत पुराना रखा हुआ था, मैंने इसको केवल एक बार पहना जब सिलवाया था, उसके बाद से एक बार, उसके बाद ये रखा ही रहा था। तो हम सोचे अब की बार गर्मी आ गई है तो पहन डालते हैं यार, और कोई है नहीं पहनने वाला इसको मेरे अलावा।
अभी कान्हा आ चुके हैं मेरे लिए पानी लेकर। ये छोटे सी बोतल में पानी लेकर आए हैं और इस पन्नी में है खुरमा। खुरमा खाइए और पानी पीजिए, ऐसे ही कह रहा है लड़का। और बढ़िया सब है? कहाँ रहो? घर। क्या करते रहो? कुछ नहीं, पवड़े रहो। चलो ठीक है, खाते हैं, आप लोग भी आ जाइएगा। सो गाइस, अभी शाम का बज गया 6 और मैंने सारे खेत की मेड़े बना दी हैं, क्यारियाँ बिल्कुल बना के रेडी कर दी हैं। अब कल इसमें सिर्फ पानी लगाना रह गया, इंजन स्टार्ट कर दूंगा, बस कुछ नहीं करना रहेगा। काट दूंगा बैठा रहूंगा, काट दूंगा बैठा रहूंगा। इसीलिए मैंने थोड़ा आज मेहनत की, क्योंकि पानी के साथ साथ थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।